फ्रेंड्स, टोर चैनल हम कृष्ण बागुल डिफेंस हम ऐसे पुस्तक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाने वाली पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस, इस पुस्तक ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है, विश्वास दिलाया है कि हम जिंदगी में जीतने के लिए जन्म लिए हैं। डिफेंस हमें कहती है, पता लगाए कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है, आपका ट्रीटमेंट करती है। विश्वास करें, ट्रस्ट रखें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश, सही विचार, सही थॉट्स आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को आपने आग्रह या इच्छाएं बताएं कि एक निश्चित योजना बना ले, मेक अ प्लान, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसके वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। फैसला करें कि विश्वास क्या है, व्हाट इज द ट्रस्ट। जान ले कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान और उदात्त विचार के बारे में आदतन सोचते हैं, वे महान कर्म बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाए। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के नजरिए से पा सकते हैं, जिसका मतलब ये अपने चेतन और अचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान आस्था समझ से आती है। अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखे, यू शुड ट्राई। अपने मन की शांत कर ले। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजनों के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे। डिफेंस, जब कोई इंजीनियर पूरे अंतरिक्ष का यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई गई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीक, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इस तरह आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके लाइफ को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीक, योग्यता और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीक मूलभूत है दोस्त। गोल्डन ग्रेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों की गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम, उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों को इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और चलाने वालों की कही पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ये व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। हम इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यावहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं के गुब्बारे की तरह हवा में लटकने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। डिफेंस, प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कोई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना,
को अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभाव तरीकों पर है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों की मदद मिल सके। फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉजिटिव विचार करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।